हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई से शुरू होकर पुणे तक जाने वाला एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का सबसे पहला एक्सप्रेसवे था, जिस पर अभी यात्रियों को बहुत सारे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर एक स्टडी की थी, जिससे यह पता चला कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम इस एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट के आसपास होता है। और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सरकार एक मिसिंग लिंक नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर सामने आई, जो इस एक्सप्रेसवे का अंतर 6 किलोमीटर से कम कर देगा। और अगर टाइम की बात करें तो जिससे आपके ट्रैवल टाइम में 20 से 25 मिनट की कमी आ जाएगी। और अभी इसी प्रोजेक्ट के तहत अभी भारत का सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज बनाया जाने वाला है, जिसकी लंबाई 650 मीटर की होगी और जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा मतलब 132 मीटर की होने वाली है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसे बनाने का काम एफकॉन कंपनी को दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर की होगी, जिसमें एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसी के साथ में 2 टनल्स का भी निर्माण किया जाने वाला है, जिसमें से पहले टनल की लंबाई 1.75 किलोमीटर और दूसरे टनल की लंबाई 8.92 किलोमीटर की होने वाली है। और ऐसा माना जाता है सरकार यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा करना चाहती है। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस तरीके के बहुत ही एडवांस ब्रिजेस के बारे में क्या सोचते हो, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।